हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुवैत की कुछ खबरें, तो बने रहिएगा वीडियो पे। कुवैत की सबसे पहली खबर जो है उसमें मैं पुलिस को एक इंडियन आदमी की तलाश है जिसने कुवैती से 20,000 दिनार से ज़्यादा लिए और ये बताया कि व्यवसाय शुरू करना है, धंधा शुरू करने के लिए, और धंधा शुरू करने के बाद पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये आदमी 50 साल का था और पिछले कई सालों से कुवैती के संपर्क में था और कुवैती उसे पिछले कई सालों से जानता था। इसके बाद कुवैती ने बताया कि पैसा लेने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है, देश में है या देश छोड़ चुका है। अगली खबर यह है कि एक इंडियन आदमी को कुवैत एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया 170 ग्राम हशीश के टुकड़ों के साथ। जब पुलिस को संदिग्ध के पर शक हुआ उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से ये चीज़ें मिली। अगली जो खबर है उसमें एक सऊदी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो डकैती और दूसरों से पैसा लूटने के मामले में, कई मामले दर्ज थे उस पर जो दूसरे आदमियों से पैसा लूटता था, इस प्रकार के कई मामले उस पर दर्ज थे और उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पिछले 6 महीनों से ऐसा कर रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की न्यूज़। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कुवैत की कोई भी नई नई न्यूज़ पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।